बाप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। मध्य प्रदेश में गर्मी शुरू होते आगजनी के मामला सामने आए रहे हैं। बता दी कि सीधी में बड़ा हादसा सामने आवा, व्यवहारी सीधी मुख्य मार्ग में भीषण आग लग गए, जहां कई एक घंटा तक यातायात प्रभावित रहा। बता दी कि 3 एकड़ में लगी फसल गलाए, ये आग के चपेट में जल के खाक हो गए। तो मध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में पूजा अपना पंचे सभाजन इनका प्रणाम करी थे, शुरू करी थी बड़ी खबर से। बता दी कि सीधी जिला में गर्मी शुरुआत से अपन प्रभाव देखावे लगे। बता दी कि व्यवहारी थाना क्षेत्र में बड़ी आगजनी की घटना सामने आई। व्यवहारी सीधी मार्ग में गुरुवार रात सड़क के किनारे सूखा पत्ता में आग लग के लिप्टस के पेड़ तक पहुंच गए और आग विकराल रूप धारण कर ली। बता दें कि आग के लपट के दौरान काफी ऊंच उठी, जिसके बाद व्यवहारी सीधी मुख्य मार्ग में वाहन की आवाजाही रोके पड़ा। मामला की जानकारी पुलिस को दीन गए, जिसके बाद पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग बड़े पैमाने पर फैल चुकी रही। लिप्टस और पेड़ के कचरा से बढ़त आग खेत तक पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक किसान बाल मुकुंद पांडे के 3 एकड़ खेत में लगी रहर के फसल आग के चपेट में आए से पूरी तरीके से जल के राख हो गए। दमकल कर्मी और पुलिस कर्मी के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आगे पर काबू पावा गया। थाना प्रभारी ML रंगडाले के द्वारा जानकारी देके बतावा गया कि व्यवहारी सीधी मुख्य मार्ग में सड़क के किनारे सूखा पत्ता में अज्ञात कारण से आग लग गए। पत्ता से आग बढ़ के लिप्टस के पेड़ तक पहुंच गया, जिसके बाद यह फसल बता दी कि आग के चपेट में आएगा और पूरी फसल जल के राख हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा समय से पुलिस और दमकल वाहन का जानकारी दी गई रही, लेकिन जब तक टीम वहां पहुंची तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी रही। कई घंटा के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पावा गया। पुलिस के कहा है कि व्यवहारी सीधी मुख्य मार्ग है, आग जब लिप्टस के पेड़ में पहुंची तो आग की लपट काफी ऊपर तक जा रही है और इसकी वजह से आवागमन रोके पड़ा। सजग रही, सतर्क रही, रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।